कानून तोड़ने वालों पर एक्शन और देश की तरक्की में हाथ बटाने वालों का प्रमोशन। मोदी की अगुवाई वाली न्यू इंडिया की यही पॉलिसी है जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लिखा गया वो विपक्ष को चुभने वाला है। 2024 में नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आरएसएस दुनिया की सबसे पावरफुल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ भारत को आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं। इंडिया बीजेपी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी। इस टाइटल के साथ लिखे गए आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका के लिए जो पार्टी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखती है वो बीजेपी है, क्योंकि अमेरिका को अगर इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ वजूद रखना है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जरूरी है। आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कॉलम लिखा है वॉल्टर रशियल मेड ने। वॉल्टर प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं। फॉरेन अफेयर्स और ह्यूमैनिटीज में बड़ा नाम है। नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन बहुल स्टेट में बीजेपी की जीत को वॉल्टर शॉकिंग मानते हैं। वॉल्टर ने यह भी लिखा है कि जातियों में वर्चस्व की लड़ाई को खत्म करने में स्वयं सेवकों ने बड़ा रोल निभाया है। वॉल्टर रशियल ने यह भी कहा कि जब वो योगी आदित्यनाथ से मिले तो योगी ने उनसे यूपी में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की चर्चा की। वॉल्टर जब आरएसएस चीफ से मिले तब मोहन भागवत ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने पर बात की। वॉल्टर का मानना है कि हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौर में भारत ही अमेरिका का सबसे भरोसेमंद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनर बन सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।